तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने। करण जौहर की फिल्म के कॉलेज स्टेज आखिर क्यों होते हैं अविश्वसनीय? किस तरह 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है स्टेटस पर अभिनेत्री काजोल ने खो दी थी अपनी याददाश्त? किस वजह से फिल्म के सेट पर शर्मिंदा हुए थे शाहरुख खान? अंजलि, राहुल और टीना, 90s का पसंदीदा लव ट्रायंगल, काजोल का बॉब लुक वाला टॉम बॉय अंदाज, रानी मुखर्जी का कॉलेज के फर्स्ट डे पर ओम जय जगदीश गाना और शाहरुख खान की जान निकाल देने वाला टाइट पोली टी शर्ट जिसको याद नहीं होगा। आपको नहीं है तो चलिए आज की वीडियो में आपको याद दिला देते हैं और ले चलते हैं आपको 90 के दशक के उस जमाने में जब प्यार दोस्ती होती थी और दोस्ती प्यार, और मॉडर्न कॉलेज के नाम पर बास्केटबॉल और बीच पर साइकिलिंग भी की जाती थी। अगर आप समझ गए होंगे कि 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता के बारे में हम बात कर रहे हैं। करण जौहर अपनी फिल्मों में एक ऐसा पोर्ट्रेट तैयार करते हैं और दिखाते हैं जिसे देख कई स्टूडेंट्स ये धारणा बना लेते हैं कि ये सच है और हमें ऐसे किसी भी कूल से कॉलेज में पढ़ाई करनी है जब प्रिंसिपल और टीचर खुले में फ्लर्ट करे, मिस ब्रिंगेजा जैसी कोई हॉट टीचर हो तो मजा ही आ जाए। मतलब ऐसा तो भाई बाहर के कॉलेज में नहीं होता। जितने झूठ करण जौहर ने अपनी फिल्मों के वास्तविक स्टेटस पर बोला है और किरदारों को दिखाकर हमें सालों तक बेचा है। मतलब राहुल कितना सेक्सिस्ट था, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। जब काजोल लड़के जैसी थी तब तो दोस्त कहकर उसे पीछा छुड़ाता रहा, जैसे ही वह बड़ी बहू बनी पार्वती तब कॉलेज में जाकर उसका दिल, और लेकिन काजोल पर इंतजाम के आगे में जल रही थी और अपने ठान लिया कि शादी करेगी तो बस अमन से। फिल्म में अमन का किरदार तो आपको याद ही होगा, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। हर शादी में बजाने वाला ये गाना फिल्म में फिल्माए साजन जी यानी सलमान खान के लिए एक आयोनिक गाना था। उनके जीवन में पहले ऐश्वर्या राय आई थी जिसका अभिषेक बच्चन ने उनसे छीन लिया, फिर कैटरीना कैफ आए जिनको रणबीर बाबा ने छीन लिया, और बताओ फिल्म में भी अंजलि को राहुल ने ले लिया। बड़ी नाइंसाफी है। आपको बता दें 90 का दशक जो दौर था शाहरुख और सलमान खान का दौर से आज भी उन्हीं का, जो क्योंकि पठान और राधे के लिए कुछ इंतजार चल रहा है वो देखने लायक है। फिल्म कुछ होता है काजोल ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी। यह फिल्म तब रिलीज हुई जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, जिस वजह से आपको फिल्म से जुड़ी कई खबरों के बारे में तो मालूम ही नहीं होगा। लेकिन हम किस लिए है फिल्म, अभी आपको पसंदीदा फिल्मों से जुड़ी खबरें देने के लिए ही तो है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कुछ होता से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों का सिलसिला। आपको बता दें फिल्म का मशहूर गाना तुम पास आए की धुन जंगल हंसराज ने शावर में बनाई थी और फिर करण जौहर को दे दी। फिल्म की शूटिंग के दौरान रानी मुखर्जी केवल 19 साल की थी। जौहर चाहते थे कि मुखर्जी का जो कर्कश आवाज को डब किया जाए। फिल्म के कोई मिल गया गाने में शाहरुख की प्रतिष्ठा पोलो जो हमारी स्पोर्ट टी शर्ट थी की कीमत $75 थी, जिसके चलते जौहर को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के 3 घंटे तक इसे खरीदने की बहस की। फिल्म के तीसरे गाने ये लड़का है दीवाना में साइकिलिंग सीन के दौरान काजोल ने अपनी बाइक का नियंत्रण खो दिया और वह मुंह के बल गिर पड़ी और उनके घुटने पर चोट आई, साथ ही कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी याददाश्त भी खो दी थी। काजोल को उस वक्त एकमात्र व्यक्ति ही याद था और वे थे उनके बॉयफ्रेंड और आज के हस्बैंड अजय देवगन। ट्रू लव, एकदम ट्रू लव, लेकिन जैसे मौके का फायदा आपके दोस्त से अच्छा भला और कौन उठा सकता है। और शाहरुख खान ने भी एक सच्चे दोस्त होने का नाते काजोल को शिद्दत से यही यकीन दिलाया कि वह फिल्म के सेट पर एक जूनियर आर्टिस्ट है। फिल्म में टीना की मौत के दृश्य को शामिल करना काजोल का विचार था। हमें नहीं मालूम कैसे और कौन से हॉट टीना को कैंसर हो गया, उसकी मौत हो गई। चलिए यह भी ठीक था कि वो मरने के बाद अपनी बेटी को उसके पिता की दूसरी शादी कराने के लिए इंटरेस्टेड थी और उसने कराई भी। कितना भला दिखाया है रानी मुखर्जी को फिल्म ने, लेकिन फिर भी काजोल ने उनकी जान ले ली। कैसे? दरअसल फिल्म में टीना की मौत के दृश्य को शामिल करना काजोल का ही विचार था। अब क्रोनोलॉजी समझिए दोस्त, अंजलि, अमन की दुल्हन कौन? अंजलि। और फिर अंत में राहुल की दोस्त प्रेमिका उफ दुल्हन कौन? अंजलि। फिल्म में आपको वो छोटे सरदार जी याद है? अरे वही तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ वाले। फिल्म में किरदार प्रजान दुस्तार ने निभाया था जिसकी पूरी फिल्म में सिर्फ एक यही लाइन थी, और आप सुनेंगे तो आपको याद और हंसी भी आएगी। उनके इस वन एंड ओनली डायलॉग भी आज के दूसरे चाइल्ड एक्टिंग केवल छेड़ कर भी नहीं कर पाते। फिल्म में दिखाए गए सेट ज्वेलर्स कॉलेज को कला निर्देशक शर्मिष्ठा रॉय ने टीवी शो बरबेली हिल्स और आर्केटिक कॉमर्स से प्रेरणा लेकर बनाया था। वही 2012 में उन्होंने कुछ कुछ होता है को नवीनकरण करके सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर दिखाया स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ। इस बार कॉलेज को और भी काल्पनिक था और कॉलेज का नाम सेंट टेरेसा रखा गया। फिल्म में मनीष मल्होत्रा, फरहान खान, कोरियोग्राफर गीता कपूर, निर्देशक निखिल अडवाणी और यहाँ तक कि करण जौहर की मम्मी हीरो जौहर भी इस अलग अलग दृश्य में नजर आई।
टाइम पत्रिका ने फिल्म का सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड सूची में शामिल किया। फिल्म का कारण ये सीली बताया गया और जिस बात से हम भी वाकिफ है, लेकिन फिल्म के डायलॉग, गाने, इमोशन से लोगों ने खुद को काफी संबंधित पाया, जैसे अधूरी मोहब्बत, कॉलेज के दोस्त और ढेर सारी मस्ती। अब आप सब भी इन्हीं लोगों में शामिल थे या फिर आपको इस फिल्म से कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।